जिससे हमारे काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही है हमारे बच्चों की, तो वैसे तो पढ़ाई सारी खत्म हो चुकी है, तो अब जो ऑनलाइन हो रही है क्लासेस उसमें भी हमारी लाइट की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी ये मांगे है कि दूसरा ट्रांसफार्मर भी लगना चाहिए, और जिससे ताकि हमारी जो फार्मर वगैरह हैं उनको प्रॉपर लाइट मिले, और हमारा जो ट्रांसफार्मर वो अलग हो और उसकी घरों में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। चलो वो बात अलग है कि जैसे कि 2 घंटे लाइट का कट होता है वो लगा रहे, लेकिन जो 2 घंटे हैं वो प्रॉपर हमें लाइट चाहिए। मैं साड़ी समस्या है जी, एक 4-5 दिन दे ट्रांसफार्मर सड़िया, छोटे छोटे बच्चे ने, देखो किन्नी समस्या। चलो पहले तो ये कट 2 घंटे का देंदे ही, 2 घंटे 32 देंदे ही, उहदे विच भी दुनिया नूं संतुष्टी ही कि चलो 2 घंटे साढ़े बच्चे आराम नाल बैठते हैं। अगे पढ़ाइया किहो जिहियां चल रही सारे नूं पता, चलो 2 घंटे बैठ के पक्खे थले पढ़ सकते हैं। दूजी गल सबसे बड़ी समस्या है कि इस मौके मतलब कि बाहर जमीन दे विच दुनिया ने फसल लगानी है, धान लगानी है, चलो 2 घंटे वास्ते भी अगर मोटर चलती है तो पानी थोड़ा जिहा मतलब लोगों नूं सहारा होंदा कि चलो जी साडी मोटर चल रही है, 2 घंटे अहीं जाके अपना मतलब पानी लगा सकते हैं, है ना। दूजी गल है कि किराए की कोई कमी नहीं है, किराया ठोक के लैंदा बिजली महकमा बिल्कुल, मतलब कि घट तू घट नहीं ज्यादा तू ज्यादा किराया ठोक देना। अगर किसी ने एसी लाया एसी उसका 2 दिन बाद लगेगा, किराए वाले पहले आ जाते हैं। अभी हम डिपार्टमेंट से यही चाहते हैं, चलो ठीक है हम भी समझते हैं प्रॉब्लम है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, अभी हर कोई चाहता है मैं गर्मी से बच्चों को बचाओ, किसी ने एसी लगाया किसी ने कूलर लगाया, लेकिन फिर भी किराए के मुताबिक तो लाइट थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना। जैसे किराए में कोई कमी नहीं है, मैंने खुद एसी लगाया था, मतलब कि 3 किस्तों में मेरा 9,000 रुपया किराया लगाया, मैंने पेड किया, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा इन्होंने।